और लुंडो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ जैसे झकासी होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बुरा भाई। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बनाएंगे फाइटिंग लोगो ऑन एंड्रॉइड डिवाइस। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस बहुत से फाइटिंग लोगो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हम पिक्सल ऐप को। पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद आपने इसको कलर को ग्रेडियंट दे देना है। देने के बाद सिंपली आपने अपना लोगो कर लेना है ऐड। सो गाइस जितने भी लोगो हैं और जो भी मैं इसमें फोन्स वगैरह यूज़ करूँगा सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये फिर सिंपली इस लोगो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी साइज को बढ़ा देना है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सिंपली एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसका कलर दे देना है, कलर पर टैप करके रेड कलर की सिंपली एंड कॉपी पर डन करना है। देन कलर को वापसी हटा देना है जो फर्स्ट वाली लेयर है। देन सिंपली गाइस दोनों लेयर को यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद नीचे वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, वापसी उसे कलर पे जाना है, वाइट कलर कर देना है। देन वाइट कलर पे क्लिक करने के बाद देन इसे स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक में आपको दे देनी है इसको 6। स्ट्रोक में जाने के बाद सिंपली गाइस आपने एक ऐड करनी है रिबन की फ़ोटो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबकी डाल चुका हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे लगा देना है और स्ट्रोक ओपन करके देना है, इसे डन कर देना है। स्ट्रोक ऑन करने के बाद सिंपली गाइस टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में जाके मैं ऐड कर लेता हूँ फॉन्ट को, फॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। देन सिंपली यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि अट्रैक्टिव लगे। और देन सिंपली गाइस आपने थोड़ा सा राइट यहाँ पे करना है, स्पेसिंग देनी है इसको, ये वाली थोड़ी सी बड़ा देनी है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देन सिंपली गाइस इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो कि जो रिबन है उसके बाहर चला जाए। ये बाहर जाने के बाद सिंपली गाइस मैं इसकी एक और लेयर को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं नीचे वाली जो लेयर है उस पर टैप करके उसे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा जो कि वो बैकग्राउंड के पीछे चला जाए। देन सिंपली गाइस इस वाली लेयर को मैं कलर करूंगा ग्रेडियंट में जाके, ये वाला ग्रेडियंट मैं दे दूंगा। सिंपली गाइस आपने इसे एडजस्ट कर लेना है जो बैकग्राउंड का टेक्स्ट है उसके हिसाब से। मैं पोजिशन की इसकी सेट कर लेता हूँ। देन सिंपली गाइस दोनों लेयर को आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जो टेक्स्ट की नीचे वाली लेयर है उसे स्ट्रोक में जाना है, उसे वाइट कलर दे देना है और इसकी स्ट्रोक को बढ़ा देना है थोड़ा, 12 कर देता हूँ मैं, डन कर देना है। डन करने के बाद जो नीचे की स्ट्रोक की लेयर है उसे अपने फोन की फर्स्ट वाली लेयर के साथ थोड़ा सा मैच कर देना, पोजीशन में सेट कर देता हूँ। देन सिंपली जैसे आप करते करते फिर फर्स्ट वाली टेक्स्ट को टैप करना है। टैप करने के बाद स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद वाइट कलर दे देना है, 4 पे रख के राइट टैप कर देना है। राइट टैप करने के बाद इनर शेडो में जाना है, यहाँ पे इनेबल इसे कर देना है। इनेबल करने के बाद इसे ब्लैक दे देना है, ब्लर रेडियस को कर देना है कम और ऑफ साइड वाई को कर देना 90%। सिंपली गाइस जो आपकी रिबन है उस पर आपने कर लेना है टैप, यहाँ पे जाके मैं इसे टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद इसमें आपने कलर पे जाना है, कलर इनेबल कर देना है और ग्रेडियंट को चूज कर लेना है एक। सिंपली गाइस मैं ये वाला ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ। देन सिंपली इसकी स्ट्रोक में जाना है, स्ट्रोक की वाइट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूंगा। देन सिंपली गाइस सारी लेयर को आपने लॉक करने के बाद मर्ज कर देना है एक दूसरी की लेयर से राइट टैप करके। देन सिंपली गाइस जब आपने क्लिक करना है शेप वाले बटन पे, शेप करनी ये वाली शेप लेनी है। देन सिंपली इसे कलर इनेबल कर देना है, कन इनेबल मैं रखता हूँ रेड। तो सिंपली गाइस मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा जो कि ये बैक टेक्स्ट के साथ ऐड हो जाए। सिंपली गाइस थोड़ा सा इस तरह से आपने ऐड करना है जो कि अट्रैक्टिव लगे आपके लोगो के डिज़ाइन के लिए। तो सिंपली गाइस इस वाली लेयर को मैं नीचे लेके आ जाऊँगा। देन सिंपली इसकी स्ट्रोक की लेयर पर जाऊँगा मैं और इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर दूँगा और इसके स्ट्रोक के इनेबल को कलर करके मैं इसे वाइट दे दूँगा। देन 10 पर सेट कर दूँगा। देन सिंपली गाइस दोनों लेयर को कर लेना है अपने लॉक। लॉक करने के बाद अपने टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर लिखना है गेमिंग। गाइस जो इसका फॉन्ट है मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देन सिंपली गाइस आपने इसे सेट कर देना है फॉन्ट लगा के जो कि आपके रियान है, उसके नीचे थोड़ा सा अगर आपने कुछ और लिखा हुआ उसके नीचे से एडजस्ट कर लीजिएगा आप। देन सिंपली गाइस मैं इसे थोड़ा सा स्पेसिंग कर दूंगा जो कि एडजस्ट हो जाए। देन सिंपली गाइस आपने स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसका कलर रखना है ब्लैक। देन सिंपली गाइस सारी लेयर को आपने दोबारा से कर देना है मर्ज। जैसे आपकी लेयर मर्ज होता है आपने इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है या फिर बड़ा कर लेना है आपके बैकग्राउंड के साथ जो कि एडजस्ट लगे। देन सिंपली गाइस आपने लेयर पे जाना है, इसकी लिंक मैं बैकग्राउंड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, आपने वहाँ से ऐड कर लेना है इस बैकग्राउंड को। देन इसकी साइज को आपने कर देना है फुल और आपने इसे एडजस्ट कर लेना है बीच में। देन सिंपली गाइस इस वाली लेयर को आपने नीचे कर देना है लोगो से और देन सिंपली गाइस इस पर आपने स्ट्रोक इनेबल कर देना है ग्रीन कलर करके, मैं 7 रख देता हूँ। और देन सिंपली इसकी इनर शेडो भी इनेबल कर देनी है, मैं कर देता हूँ इसकी शेडो ब्लैक कर देता हूँ मैं। ब्लैक करने के बाद ब्लर रेडियस को मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ। देन सिंपली गाइस डन कर देता हूँ। डन करने के बाद सिंपली गाइस मैं इस वाली लेयर को इनेबल कर दूंगा एम्बोस को, जो लोगों की एम्बोस है उसे इनेबल कर दूंगा। इसको नीचे थोड़ा सा लेके आ जाऊंगा मैं यहाँ पर,
सिंपली गाइस आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो नीचे वाली लेयर है उसे लॉक करके हाइड कर देना है। एंड सिंपली गाइस जो ऊपर वाली लेयर है लोगों की उसे अपने फुल स्क्रीन पर लेकर आ जाना है इस तरह से। सिंपली गाइस जैसे ही आपने यहाँ पे लेके आ जाते हैं सिंपली आपने ओपेसिटी पे जाना है, इसे इनेबल कर देना है और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा आपने कर देना है कम। सिंपली गाइस जो बीच वाली लेयर है उसे मैं इनेबल करता हूँ और जो जो गाइस ऊपर वाली लेयर है उसे नीचे लेके आ जाऊँगा उस वाले लोगों के। सिंपली गाइस आपका लोगो हो जाएगा रेडी। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस कमेंट करके बताना आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय।